जी नमस्कार, हमारा साथ है विजयपाल सिंह तोमर जी, है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा है और उड़ीसा का प्रभारी है, जिन्होंने पूरे राज्य में बीजेपी का सरकार बनाने में बहुत बड़ा जिनका अहम भूमिका रहा है और 21 से 20 लोकसभा इन्होंने जीता के लाए हैं। इनके विजयपाल जी की स्ट्रैटेजी थी, अब सरकार बनने के बाद पहली बार संगठन की राज्य कार्यकारिणी ओडिशा में शुरू हो रहा है। हम उनसे जानेंगे कि राज्य में जो कार्यकारिणी 19 और 20 को होने वाला है उसकी कार्य रूप, अतिथि और किस विषय पर चर्चा होने वाला है, संगठन सरकार इसको लेके थोड़ा सा बताए हमारे दर्शकों को। धन्यवाद। ओडिशा प्रदेश की राज्य कार्यकारिणी की बैठक 19 और 20 जुलाई को पुरी में होने जा रही है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी उसका इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं और तमाम जितने प्रदेश के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, जितने हमारे प्रदेश के पूरी कार्य समिति है, नीचे के जिलों के अध्यक्ष महामंत्री हैं, एक बृहद कार्यकारिणी करने का एक निश्चय किया गया है जिसकी संख्या 1000 के आसपास होगी और इसमें पिछले चुनावों में समीक्षा, हम लोकसभा विधानसभा में जो चुनाव जीते हैं, जिन सीट को हारे हैं, उन सबकी समीक्षा भी थोड़ी होगी, अगले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी होगी और चुनाव के बाद सरकार का गठन होने के बाद जो संकल्प किया था हमने, चुनाव घोषणा पत्र जारी हुआ था, उस संकल्प पत्र के अनुसार पार्टी के सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि अभी तक चाहे चार द्वार खोलने का काम हो जगन्नाथ जी के, या रत्न भंडार खोलने का काम हो, या सुभद्रा योजना लागू करने का काम हो, और चाहे 3100 रुपये धान का दाम देने का काम हो, इन सब पर सरकार निर्णय ले चुकी है। पार्टी के द्वारा जारी संकल्प पत्र पर 100% उसको पालन करना सरकार का धर्म है और सरकार उसको कर रही है। इन सब के लिए वहाँ कार्यक्रम में हमारे सारे मंत्री भी होंगे, विधायक होंगे, मुख्यमंत्री होंगे और जो राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, अश्विनी वैष्णव तो जी तो नहीं रहेंगे, जो मेरी जानकारी है धर्मेंद्र प्रधान जी रहेंगे, जो लोराम जी रहेंगे, ये सब लोगों के साथ साथ हमारे वैजन पांडा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो रहेंगे, हमारी अपराजिता जी और ये जो समित पात्रा प्रवक्ता हैं ये रहेंगी और तमाम मेरे साथ मेरी सह प्रभारी हैं लता जी, वो आज ही पहुंच गई होंगी, मैं कल सुबह पहुंच रहा हूँ। 2 दिन की इस बैठक में पूरा मंथन होगा, अगले कार्यक्रमों की जानकारी देना और पिछले पार्टी के राष्ट्रीय स्तर से जो कार्यक्रम दिए गए हैं उन पर भी विस्तार से चर्चा होगी और विचार उपरांत आगे की भावी रणनीति बनाने का काम किया जाएगा। हाँ सर, वो बहुत बड़ी एक चैलेंज है क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता जीते भी है, सरकार भी बनी है, तो ये सरकार और संगठन के बीच में कोऑर्डिनेशन ये कैसे होगा, उसके लिए पार्टी क्या सोच रहा है जय प्रभारी आप? देखिए, ऐसा है कि विशेष रूप से सरकार और पार्टी के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए अभी हम लोगों ने तय किया है, हर 15 दिन में एक बार बैठेंगे। हमारे प्रभारी के साथ साथ मेरे अलावा वहाँ से महामंत्री संगठन भी होंगे और प्रदेश अध्यक्ष जी मनमोहन सावल जी होंगे, साथ में मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे और हर 15 दिन में इसके चर्चा करके समीक्षा करना ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसके लिए बाद में जब स्मूथली काम शुरू हो जाएगा फिर 1 महीने में एक बार बैठने का काम किया करेंगे। ठीक है, सरकार बनी उड़ीसा में, लोग एक परिवर्तन चाहते थे, अब लोगों की उम्मीदें भी बहुत बड़ी है, आपको क्या लगता है ये सरकार लोगों की उम्मीदें पूरे कर पाएगी और इसके लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, लोगों की जो जनता की आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वो बहुत बड़ी हैं क्योंकि 25 साल से एक अलग पार्टी की सरकार चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षाएं अधिक हैं, इसलिए जनता ने परिवर्तन किया है, उन अपेक्षाओं पर खरे तो उतरेगी ही हमारी सरकार
आगे फिर 20-25 साल तक हमारी सरकार बनी रहे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पार्टी संगठन और सरकार मिलकर इस तरह का काम करेंगी। जितना मैंने पहले कहा, संकल्प पत्र में हमने घोषणा की है, उनको 100% लागू किया जाएगा। और बड़े काम अभी से घोषणा कर दी गई है, रत्न भंडार की चाबी 46 साल 46 ईयर्स रत्न भंडार ही नहीं खुला था, उसको खोलने का काम किया है। जगन्नाथ जी के 2-4 द्वार खोलने का काम किया है और सारी योजनाएं लागू करने का काम किया है। और ऐसी जो किसानों के हित में हो, गरीब के हित में हो, उन सब योजनाओं को अपना आदिवासियों के हित में हो, उन सब पर काम कर किया जाएगा। उनको लाभ कैसे पहुंचे, इसकी अब जनता के अच्छा सुशासन देने का काम सरकार करेगी। क्योंकि अभी तक ये कानून व्यवस्था पिछले दिनों में बहुत बिगड़ी हुई थी, महिलाओं के साथ रेप होते थे और आंदोलन भी हम करते थे लेकिन कोई सुनी नहीं जाती थी, और जो मंत्री उसमें इन्वॉल्व थे उनको बचाने का काम किया जाता था। तो चाहे महिलाओं की नारी सशक्तिकरण के लिए हो और चाहे कानून व्यवस्था और किसानों का जो कटनी छटनी होती है धान खरीद में, इसके लिए हो, सब पर बहुत अच्छी तरह से काम किया जाएगा और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इसको लेकर पार्टी आगे बढ़ेगी। अब बीजेपी इज बेसिकली जो है कैडर बेस्ड पार्टी है और बीजेपी आइडियोलॉजी बहुत बड़ी मुद्दा होता है बीजेपी में, जो विचारधारा है और जो कैडर है। तो ये कार्यकर्ता और विचारधारा, ये दो चीज़ों को सरकार में कैसे प्राथमिकता दिया जाएगा, उसके लिए पार्टी क्या सोचता है? जो हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री बने हैं, ये सब कैडर से निकले हुए लोग हैं। वो जानते हैं कि विचार के साथ, जो पार्टी की विचारधारा है उसके साथ आगे बढ़ना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बहुत बड़ा थिंक टैंक थे, जिन्होंने एक बहुत बड़ा विचार देने का काम किया है, उस पर पार्टी काम करेगी। क्योंकि सरकार में बैठे हुए सब लोग कार्यकर्ता हैं और लगातार जो संगठन है उनके इस पर निगाह भी रहेगी और संगठन और सरकार में कोऑर्डिनेशन बना रहे इसकी चिंता करने का काम भी किया जाएगा। और निश्चित ही जो जनता की अपेक्षाएँ हैं सरकार उनको पूरा करेगी, इस पर हम पूरा ध्यान रखेंगे और सरकार और संगठन के बीच एक कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। जो पार्टी का कैडर है उसको और मजबूत करने का काम करेंगे और मैं समझता हूँ कि पार्टी के कैडर ने, कार्यकर्ताओं ने ही ये जनता में पहुँचाने का काम किया कि केंद्र की योजनाओं पर बीजू जनता दल अपने ठप्पे लगाकर वो लोगों को धोखा देने का काम कर रहा था। वो बात जब नीचे पहुँची है तभी ये परिवर्तन हुए है। पार्टी में ऐसे हैं जो इलेक्शन में जितना महिलाओं को टिकट दिया या सरकार में भागीदारी बात कहें तो बीजेपी महिलाओं को वुमेन रिजर्वेशन के बाद बार बार कही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में मन में ये आता है कि महिलाओं को ठीक रूप से रिप्रेजेंटेशन मिली नहीं है, उसके लिए पार्टी क्या सोचते हैं आगे? देखिए, अभी हमारे पास जितने मंत्री हैं, अभी दो बड़ी जिम्मेदारी हमने महिलाओं को दी है। एक प्रभाती परेड़ा हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया है, और जो स्पीकर हैं जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है उसको, वो भी महिला है। इन दो महिलाओं को उसमें शामिल करने का काम किया है और आगे भी पार्टी ये ध्यान रखेगी। कई महिलाओं को हर तरह से हम सशक्तिकरण करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए सुभद्रा योजना लेकर आए हैं, उसको लागू कर रहे हैं। और इन आप देखेंगे कि एक वर्ष में अधिकांश हम 5 साल का काम हम बहुत जल्दी पूरा करने जा रहे हैं। सरकार इसकी चिंता संगठन भी कर रहे हैं। क्या सरकार में भी रिप्रेजेंटेशन और बढ़ेगी महिलाओं की? अभी मैं नहीं कह सकता, हमने अभी दो बड़े पद दिए हैं, आगे जो 6-7 सीट खाली हैं या मंत्री का दर्जा दिया जाएगा उन सब में पार्टी विचार प्रांत अपने जो हाई कमांड है उनसे विचार करने के बाद महिलाओं को अधिक रिप्रेजेंटेशन करने पर जरूर विचार करेंगे। लास्ट सवाल है, आप किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और उड़ीसा का प्रभारी है, और उड़ीसा भी एक कृषि भित्तिक राज्य है, तो किसान और कृषि ये दोनों बढ़ने के लिए आपके नेतृत्व क्या रहेगा, उड़ीसा में कैसे होगी? हमारे प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता पर कौन रहे हैं, किसान रहे हैं, गरीब रहे हैं, महिला रहे हैं, युवा रहे हैं, तो निश्चित रूप से किसान की प्राथमिकता केंद्र में भी रही हैं और किसान प्राथमिकता पर उड़ीसा में भी रहेगा। इसीलिए हमने चुनाव में भी घोषणा की कि यहाँ अधिकांश जो पैदा करते हैं वो पेड़ी की पैदा होती है, धान की पैदा होती है,
धान पर हम जो MSP है उसके अलग बढ़ाकर 3100 रुपए क्विंटल खरीदने का काम करेंगे। पिछली सरकारों में बिचौलियों का काम हुआ है, कटनी छटनी का काम किया गया, 15% तक की कटौती होती थी धान खरीद में। इस समय ये सब नहीं होने वाला है, किसान के हित का पूरा सरकार ध्यान रखेगी। धन्यवाद।